साथियों, मैं निवेदिता आपका जनसंघर्ष चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बातचीत करेंगे कि कैसे भारत देश में देश के लोगों को लगातार सरकार की नाकामियों को एक अलग ढंग से झेलना पड़ रहा है। आज क्या सरकार इतनी ज़्यादा नाकाम हो चुकी है कि अपने देश की जनता, जो उनकी वोटर हो, जिन्होंने उन्हें जिताया हो, आज उनका इतना बुरा हाल है कि उनकी जो लाशें हैं वो नदियों में तैरती नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर से केंद्र सरकार व राज्य सरकारें अपना पैर पीछे खींचती नज़र आ रही हैं। लगातार सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो सच्चाई को बिल्कुल भी बयान नहीं करते। जो आंकड़े हैं वो झूठे हैं। लगातार जो सच्चाई है वो आज भारत देश के अंदर जमीनी स्तर पर देखी जा सकती है। क्या ये बात यह साबित करती है कि देश आज इतनी ज़्यादा मुसीबत में है कि सरकार यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती? अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, जिसमें वो ये कहते हैं कि कोरोना वायरस एक प्राणी है जिसको जीने का अधिकार है। आइए आपको दिखाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणी की गई वीडियो की एक झलक। प्रशासनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। इसी के बीच भारत देश में लगातार सारे राज्यों के अंदर वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू बेड्स की लगातार शॉर्टेज देखी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद गुजरात के अंदर का एक अलग सा मंजर सामने देखने को मिलता है। वहां पर लगातार लोग कलश यात्राएं करते नजर आ रहे हैं, जो कि कोरोना को खत्म करने को लेकर है, जिसमें COVID-19 की गाइडलाइंस का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है। एक तरफ ये मंजर देखने को मिलता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लगातार लोग गोबर से नहाते नजर आ रहे हैं। यह बात सामने आने के बावजूद कि डॉक्टर्स यह मानते हैं कि गोबर से नहाना कोरोना वायरस से लड़ने का सही तरीका नहीं है, वह और इससे हेल्थ रिस्क भी बढ़ सकते हैं। इसी के साथ यूनियन मिनिस्टर सदानंद गावड़ा का बयान सामने आता है, जिसमें वो ये बयान देते नज़र आते हैं, क्या वैक्सीन की कमी हो जाने से हम फांसी पर लटक जाएं? यह बयान यह दर्शाता है कि जो लोग सरकार में आज के वक्त में बैठे हुए हैं, ये देश के हित में कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हैं। यह बात यह साबित करती है कि अगर सरकार पर बैठने का जुनून हो तो उसके साथ साथ जनता के लिए काम करने का जुनून भी होना चाहिए। यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार में बैठे मंत्रियों में नहीं दिखता है। हाल फिलहाल में कोरोना पैंडेमिक के चलते पीएम केयर फंड से लिए गए वेंटिलेटर्स का हाल सामने आया है, जिसमें वेंटिलेटर्स की बहुत बुरी हालत है, वो इस्तेमाल में नहीं लिए जा पा रहे हैं। जब पीएम केयर फंड से ली गई चीज़ें भी जनता के काम में नहीं आ रही हैं, तो क्या केंद्र सरकार अब करने जा रही है? इस बात से मुझे एक लाइन याद आती है, जो कि मोदी सरकार के चुनाव के वक्त में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, और वो लाइन थी, पूर्ण बहुमत, संपूर्ण विकास, चलो चले मोदी के साथ। और आज ये लाइन फेल होती नज़र आ रही है, जहाँ पर पूर्ण बहुमत तो मिला लेकिन संपूर्ण विकास का कहीं नामो निशान नहीं है। हम अपने जनसंघर्ष चैनल से केंद्र सरकार व सभी राज्यों की सरकारों को यह अपील करना चाहेंगे कि देश में चल रही जो दुविधा है उसको कैसे कम किया जाए, उस पर सोच विचार करें और उस पर काम करें। लगातार जो जनता की जाने जा रही हैं, जिन्होंने आपको बहुमत
वोटों के साथ जिताया हो, उनको इस तरीके से निराश करना व उनकी ज़िंदगी के साथ खेलना बिल्कुल सही नहीं है। आप अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।